Bismillahir Rahmanir Rahim. Rana Muhammad Akram, Naib Sadr, Federation of Realtors Pakistan, Markzi Tarjuman, Federation of Realtors Pakistan. हम ये समझते हैं कि जिस तरह फेडरेशन अपनी तजावीज़ दी हैं कि जब तक निजी शोबे को साथ लेके ना चला जाए गवर्नमेंट सेक्टर पे करोड़ों की तादाद में या लाखों की तादाद में ये जो मकानात की तामीर का काम नहीं हो सकता. ये चीज़ हमने जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है जिनकी ये जिम्मेदारी है प्रिंसिपल साहब ने लगाई, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है तो उनको ये रियलाइज़ करवाई है बात कि निजी शोबे को साथ लेकर चला जाए, जो इन्वेस्टर्स हैं जो मुल्क में इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको आप इनक्रेज करें. हम समझते हैं उसमें ये बड़ा बहुत अच्छा पैकेज आ भी चुका है क्योंकि इसमें एक तो सोर्स नहीं पूछा जाएगा, दूसरा एक बहुत अच्छा मैं समझता हूँ एक हम समझते हैं हमारी फेडरेशन ये समझती है, हमारे जो फील्ड के लोग हैं ये समझते हैं, बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, रियल्टर्स हैं कि हुकूमत ने इसमें फिक्स टैक्स लगा दिया है. इससे इंशाल्लाह बहुत लोग आएंगे, उसमें क्या होगा एक खौफ भी ख़त्म हो जाएगा, यानी जो बंदा इसमें पैसा लगाएगा उसको किसी रिकार्ड की ज़रूरत नहीं है, किसी वकील की ज़रूरत नहीं है. वो जो कवर्ड एरिया बनाएगा रहायशी हो या कमर्शियल दोनों सूरतों में जो गवर्नमेंट ने जो उसमें FBR की जो वेबसाइट वहाँ पे उसके रेट्स आ चुके हैं उसके मुताबिक वो गवर्नमेंट को टैक्स दे देगा, उसके बाद उसका कोई ऑडिट नहीं होगा, उसको किसी रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है. इस चीज़ से इंशाल्लाह लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगी और लोग बहुत इस फील्ड में आएंगे. तो निजी शोबा साथ चलेगा तो ये प्राइम मिनिस्टर का जो ख्वाब है 50 लाख घरों का ये शर्मिंदा तबीर होगा. 50 लाख ना बने, भले 10 लाख हों, 20 लाख हों, लेकिन ये जब तक प्राइवेट लोग आए नहीं आएंगे तो ये गवर्नमेंट लेवल पे सारा काम नहीं हो सकता है. तो गवर्नमेंट अलहमदिल्ला हमारी ये बातें मान भी रही है और हम बहुत उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ये काम बहुत जल्द गवर्नमेंट और अवाम मिल के ये काम करेंगे.